अब इसका मतलब यार ये नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलोगे अपने सपनों के लिए। जब हम कॉलेज के थर्ड ईयर में मैं आ गया था, तो उस दौरान मैंने स्टूडियो बनाने स्टार्ट किए थे। स्टूडियो किस प्रकार से बनाई, ये जर्नी सुनो। सेकंड ईयर के अंदर क्या है कि आप हॉस्टल में होते हो ना, तो आपके दोस्तों को पता चल जाता है आप वीडियो बना रहे हो। तो वो मेरे गेट पे आते थे और बोलते थे, अमन तू वीडियो बना रहा है क्या, वीडियो बना रहा है अंदर, अच्छा ठीक है। मतलब वो आपको बनाने नहीं, मस्ती करेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा यार यहाँ तो काम नहीं हो पाएगा, प्लस आप जोर से जब बोलते हो तो बगल वाले रूम सबको सुनाई देता है, तो आप वैसे कॉन्शियस हो जाते। तो मैं पापा के पास गया, पापा मेरे को अलग से एक रूम चाहिए, मेरे को यूपीएससी की पढ़ाई करनी है। पापा ने कहा क्यों, मैं पापा हॉस्टल में नहीं हो पाती, बड़ी नॉइज होती है। पापा ने कहा फालतू बकवास नहीं, तुम ही बुलाते होगे उन्हें अपने कमरे में, बोल दो उन्हें कि तुम्हारे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है, बैठो अपने कमरे में पढ़ाई करो, लाइब्रेरी जाओ। मैंने कहा ऐसे तो नहीं मानेंगे। मैंने लगभग काफी दिनों ट्राई किया, 2-3 हफ्ते उनके पीछे किया, फिर मैं एक नई स्ट्रैटेजी के साथ गया कि पापा मैं और अमन आनंद। तो अमन आनंद हमारे रैंक ओपनर था, उसके आए थे कुछ 260 नंबर, हमारा टाइम में 360 का पेपर होता था। मैंने कहा पापा अमन आनंद और मैं दोनों बैठ के पढ़ाई करेंगे। एक पॉइंट के बाद पापा बोले ठीक। हमने हॉस्टल के पास ही एक 1 रूम अपार्टमेंट लिया, पापा ने 2 महीने का उस चीज का एडवांस दिया और हम उसमें शिफ्ट हो गए। तो जब मैं शिफ्ट हो रहा था तो आनंद नहीं था। पापा ने कहा तुम्हारा पार्टनर कहाँ है, रूम पार्टनर? मैंने कहा पापा वो तो शाम को आएगा। पापा ने कहा ठीक है बेटा तुम अपना सामान जचा लो, तब तक उसकी जगह छोड़ो। शाम को मैं पापा को कॉल करता, पापा आनंद तो डिच कर गया, वो तो नहीं आ रहा, कह रहा वो नहीं आ पाएगा। पापा के एकदम से गुस्सा चढ़ गया, पापा ने कहा तुम नलायक, तुम्हारे दोस्त नलायक। और मुझे पता था ठीक है 2 घंटे अभी मेरे को भाषण मिलेंगे, पर कमरा हमारा हो चुका है, एडवांस पेमेंट हो चुकी है। तो ऐसे 2 मोमेंट होते हैं यार। पहली बार जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल के अंदर आया था, आपका 9 बाय 9 का हमारा 1 रूम पर चाइल्ड था, तो मैं अपने कमरे को ऐसे देख रहा शक्तिमान की तरह की, वाह अब ये मेरा रूम है, ये मेरी दुनिया है। क्योंकि घर में आप पहले बंदे होते हो, अब आपके पर निकल आए हैं, यहाँ पे मम्मी नहीं है, यहाँ पापा नहीं है, तो आप देखते मेरी टेबल, ये मेरी अलमारी, ये मेरी चारपाई, ये मेरी खिड़की, मतलब आप खुश होते हो। सिमिलरली उस रूम को देख के भी मैं खुश हुआ कि ओके अब ये मेरा अलग रूम है। धीरे धीरे उस चीज को मैंने स्टूडियो में कन्वर्ट किया। फिर एक टीचर से जब बात हुई तो उन्होंने स्टूडियो कमरे चाहिए होते हैं, कुछ रिकॉर्ड सिस्टम कुछ बना दो यार, मान लो 100 बच्चे हैं, 3 बच्चे एबसेंट हुए तो उन 3 को वापस पढ़ाना पड़ता है, उनका सिलेबस छूटता है, उनके लिए कुछ वीडियो फॉर्मेट हम वापस प्ले कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है। तो उन्होंने किसी टीचर का नंबर दिया, मैं बीकानेर वगैरह गया। और बीकानेर जब मैं जा रहा था उन टीचरों के लिए स्टूडियो बनाने, तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना यार एक कोर्स बनाया जाए 600 से 1000 रुपए के बीच का। तो मैं तो पढ़ाता नहीं था उस टाइम, अब तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ मजा आता है, पर उस टाइम नहीं पढ़ाते थे। मैं सोचा यार 3 टीचर पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आईआईटी के ये लोग हैं, 10-15 साल पढ़ाते हुए हो गए, एक कोर्स बना देते हैं और जो 3 लाख रुपए में चीज बिकती है उसे 1000 रुपए में बेच लेंगे। मैंने वो चीज उन्हें पिच करी, उन्हें बहुत अच्छा लगी, उन्हें समझ में आ गई, मैंने उनके स्टूडियो बना दिया। स्टूडियो बनाने के बाद उन्होंने डिच कर दिया मेरे को, प्लान से आउट कर दिया। उन्होंने कहा यार मार्केटिंग ही अगर करानी होगी तो हम फेसबुक पे चला लेंगे, इंस्टाग्राम वगैरह इन सब पे ऐड चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, आप थोड़ा सा क्या, थर्ड ईयर का बच्चा का दिल टूट गया और तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, पर अब आप किसके साथ शेयर करो, पापा को भी नहीं बता सकते क्योंकि जब मैं बीकानेर गया तो पापा को बता के नहीं गया, दिल्ली से बीकानेर ट्रेन पकड़ी और निकल दिए वापस आए। तो फिर मैंने अपने उसी टीचर को, आपने कैसे गंदे दोस्त बताए, उन्होंने तो डिच कर दिया मुझे। तो उन्होंने कहा यार आप फरीदाबाद जाओ, वहाँ मेरी एक और टीम है, उधर उनके साथ उनको पिच करके देखो। मैं फरीदाबाद गया, उधर एक स्कूल था पूरा प्रॉपर, तो मैंने उनके डायरेक्टर को पिच किया, उधर 10-12 टीचर आए उनको पिच किया और मेरी आवाज हिला रही क्योंकि मैं हूँ 20 साल का, वो 35-40 साल के, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ जेई के लिए नहीं करना चाहते, हम 6 से लेकर 12 सारा कंटेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक। उन्होंने 14 रूम में मेरे से स्टूडियो बनवाए और ये स्टूडियो बड़े होते हैं, मतलब 300 साढ़े 300 बच्चे तक एक कमरे के अंदर आ सकते हैं, तो आपका मार्जिन 80,000 से 1 लाख रुपए पर निकल रहा था। पॉइंट बिंग जब मैंने उनको भी पिच किया, उन्होंने हाँ किया, जब सारे स्टूडियो बन गए तो उन्होंने भी कहा यार मार्केटिंग हम खुद कर लेंगे, डिच कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा हम सीढ़ियाँ बेचेंगे। मैंने कहा देखो डिच करना है कर दो, पर सीडियां मत बेचो, आजकल कोई सीडी नहीं चलाता, एटलीस्ट यूएसबी तो बेच दो। तो खैर वहां से भी निकले, फिर कहीं और जाके ट्राई किया। धीरे धीरे पता चला यार ठीक है मैं शायद यंग हूँ, मेरे पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आप में से जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, आपसे बड़ी उम्र का या जिसने आपसे हाई क्वालिफिकेशन ले रखी है पेपर के ऊपर, वो आपसे जल्दी से दबेगा नहीं, ना वो आप पर ट्रस्ट करेगा, ना वो आपकी कंपनी के साथ ज्यादा देर रुकना चाहेगा। पर मेरे को ये चीज समझ में आ गई यार, डिच तो हो रहा हूँ पर पैसे भी तो कमा रहा हूँ साथ में, पर स्टूडियो मेरे को पैसा मिल रहा है, तो वो एक तरह से मैंने कैपिटल अर्न करी।